गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हैं बार कोड्स। जो हम जो कोड्स लगाते हैं, जैसे ओपन कोड्स हैं, वो तो आप सबको पता है, मैं बता चुका हूँ, बाकी उन्हें भी मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, बताऊँगा। बट आज हम जो लेसन करने वाले हैं वो है बार कोड्स का, ठीक है। तो बार कोड्स में हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, ये जो फोर फ्रेड है, इसमें जो फ्रेड नंबर थर्ड है, मैं आज आपको एफ मेजर की फैमिली बताने वाला हूँ, ठीक है। एफ मेजर, ओके। तो एफ मेजर में हमें क्या करना है, सबसे पहले थर्ड फ्रेड के अंदर ये जो स्ट्रिंग नंबर 4 है और 5 है, सबसे छोटी वाली फिंगर को रखना है फोर्थ स्ट्रिंग पे, और उसके बाद इसी फ्रेड में रिंग फिंगर है उसको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है। ये दोनों फिंगर रख ली हमने थर्ड फ्रेड में। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मिडिल फिंगर है इसे थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेड में इसे रखना है थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेड में, ओके क्लियर। देखिए छोटी वाली फिंगर जो है थर्ड फ्रेड में फोर्थ स्ट्रिंग पे, और उसके बाद जो रिंग फिंगर है उसे रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेड में, और जो सेकेंड फ्रेड है उसके अंदर थर्ड स्ट्रिंग प्रेस करनी है हमें सेकेंड फ्रेड में, ठीक है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स, इससे फर्स्ट फ्रेड पे बार लगाना है हमें, सबको प्रेस करना है एक साथ। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, बट ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना है इस पर, प्रेस करना है जोर से, ठीक है। तो ये बनता है अपना एफ मेजर, ये देखिए एफ मेजर, ये इसका पोजीशन है, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा आपको। ये छोटी वाली फिंगर है फोर्थ स्ट्रिंग पे, फिर उसके बाद रिंग फिंगर है इसी फ्रेड में थर्ड फ्रेड में फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है वो है सेकंड फ्रेड में थर्ड स्ट्रिंग पे, और फर्स्ट फिंगर से बार। ये हो गया अपना एफ मेजर, ठीक है। और एफ मेजर के बाद जो नेक्स्ट कोड है इस फैमिली का वो है डी माइनर, ठीक है। तो डी माइनर में क्या है, जो थर्ड फ्रेड है उसके अंदर रिंग फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग प्रेस करनी है हमें, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेड। उसके बाद सेकंड फ्रेड में ये जो थर्ड स्ट्रिंग है इसे प्रेस करना है मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर से। और जो फर्स्ट फ्रेड है उसके अंदर हमें करना है जो ये अपना फर्स्ट स्ट्रिंग है इसको फर्स्ट फ्रेड में, ठीक है। ये डी माइनर है, फिर से बताता हूँ, थर्ड फ्रेड में सेकंड स्ट्रिंग रिंग फिंगर से, उसके बाद सेकंड फ्रेड में थर्ड स्ट्रिंग मिडिल फिंगर से, और उसके बाद में फर्स्ट फ्रेड में फर्स्ट स्ट्रिंग इंडेक्स फिंगर से, ये डी माइनर है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको एफ मेजर, उसके बाद डी माइनर, और जब डी माइनर हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, ए शार्प। ए शार्प की पोजीशन क्या है, जो थर्ड फ्रेड है इसके अंदर सेकंड थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड फ्रेड के अंदर एक ही फ्रेड में, ठीक है, 1, 2, 3, आई मीन सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग, इसको इन तीन फिंगर से मिडिल रिंग और छोटी वाली फिंगर है जो, उससे एक ही फ्रेड में प्रेस कर देना है। तो यह है अपना ए शार्प, क्लियर। तो ये ए शार्प हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट फिंगर बच रही है इसको हमें रखना है फर्स्ट फ्रेड पे, ये हमने रखा, ये बन गया ए शार्प, क्लियर, ए शार्प हो गया, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं हम लास्ट कोड इस फैमिली का, वो है सी मेजर। तो सी में हमें क्या करना है, सा ग और सा, जैसे मैंने सारे गांपा बताया आपको, तो उसके अकॉर्डिंग सा ग सा प्रेस कर देना है, ठीक है। सा थर्ड फ्रेड फिफ्थ स्ट्रिंग सा, सेकंड फ्रेड फोर्थ स्ट्रिंग ग, और फर्स्ट फ्रेड सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेड में सेकंड स्ट्रिंग, ये सा सा ग सा, इससे बन गया अपना सी। तो एफ मेजर, डी माइनर, ए शार्प मेजर और सी मेजर, ये है अपना एफ मेजर का फैमिली, ठीक है, क्लियर, समझ आया होगा आपको। ये फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है, ये एफ की फैमिली है, ठीक है, एफ मेजर की, क्लियर, ठीक है।